हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल जनता तक अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन की अटकलें भी तेज हैं। हालांकि कांग्रेस या फिर इनेलो की ओर से फिलहाल गठबंधन की कोई बात नहीं की गई, लेकिन इनेलो सुप्रीमो से लेकर इनेलो विधायक ने साफ किया है कि जनादेश के आधार पर ही उनका फैसला होगा। वहीं अब इनेलो और कांग्रेस गठबंधन की अटकलों पर कैबिनेट एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने भी अपना बयान दिया है। देखिए, मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले लोकसभा के चुनाव आएंगे। लोकसभा का चुनाव एक तरफा है, जिस दिन 10 लोकसभा जीतेंगे उस दिन हरियाणा विधानसभा का मैदान एक तरफा होगा। चुनाव जीतेंगे, दोनों चुनाव जीतेंगे। विपक्षी पार्टियां लगातार बयानबाजी कर रही है कि जो गठबंधन है वो टूट जाएगा। देखिए, कांग्रेस को आदत है कि पहले किसी को सपोर्ट कर देते हैं, फिर सपोर्ट विड्रा करते हैं, उन्हें तोड़ने की आदत है। बीजेपी सदा से गठबंधन को निभाती आज तक निभाती आई है। देखिए, अगर इनेलो ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन करा तो इनेलो समाप्त हो जाएगी सदा तक के लिए। फिर लोग सारे हुड्डा को नमस्ते करेंगे, सब उनके साथ चले जाएंगे। इनेलो का रेलेवेंस ही जीरो है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह की माने तो कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन के बाद इनेलो पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सभी हुड्डा को ही नमस्ते करेंगे। वहीं इसके साथ ही रणजीत सिंह कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर दिया। देखिए, अगर इनेलो ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन करा तो इनेलो समाप्त हो जाएगी सदा तक के लिए। फिर लोग सारे हुड्डा को नमस्ते करेंगे, सब उनके साथ चले जाएंगे। इनेलो का रेलेवेंस ही जीरो है। गौरतलब रहे कि हरियाणा में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर अभी से सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। वहीं कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इनेलो गठबंधन कर बीजेपी जेजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह की माने तो अगर ये गठबंधन होता है तो इनेलो पार्टी का वर्चस्व हरियाणा में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज 18 हरियाणा।